नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज का आपने थंबनेल देखा होगा, हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज है, आपने यूके ट्रिपल एससी का रिसेंट का जो 8 दिसंबर 2024 को जो स्टेनो का पेपर हुआ है, वो पेपर कैसा था, उसका लेवल कैसा था। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से मतलब मेरा पूरा इंडेक्स ही फुल हो गया था। देखा मैंने, इतने मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ बर्बाद जा रहा है सब। ठीक है, क्या करें, बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो सब आज क्लियर करूंगा। देखिए, कुछ भी ज्यादा नया नहीं है, नया है नो डाउट, मैं कह रहा हूँ कि नया है, बहुत नया है, पैटर्न नया है, बट आप अभी भी थोड़ा बहुत चीजों का एनालिसिस करेंगे, आपके पास टाइम है अभी भी। देखिए, आज से आपके पास अगर यूके ट्रिपल एससी का जो कनिष्ठा एक का एग्जाम है, वो आपका 19 जनवरी को एग्जाम है और आज आपकी 10 दिसंबर, तो आज के बाद भी आपके पास पूरे 40 दिन का टाइम है। अगर एक बार आप एक दो दिन, एक दिन में भी आप चीजों का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस चैप्टर से पूछ रहा है, किसके टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो अभी भी चीजें आसान हो सकती हैं आपको। 1 महीने में आपने पढ़ा हुआ है, पर रिवाइज करना है। 5 से 7 नंबर का डिफरेंस जो ऊपर नीचे हो रहा है, जो नई चीजें आ रही हैं, वो आप आराम से 40 दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर पहले यूके ट्रिपल एससी का 1 डे होता था, अभी ऐसा पेपर बना रहा है कि पूरा ही चेंज कर दिया है, हमको नया पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। नया पैटर्न है नो डाउट, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जो पढ़ा है उसमें से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए हैं, मैं सब दिखाऊंगा आज की वीडियो में। आपके लिए पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन रहने वाला है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मतलब तो था नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि 50 दिन में कैसे कनिष्ठा एक तैयारी करें, बट जो पेपर देखा अभी, उसका जो चीजें चेंज हुई हैं, लोगों के मन में जो उथल पुथल चल रहा है, उसके ऊपर मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि करके क्या क्या टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात, मैं हमेशा पहले मोटिवेट करूंगा, डिसिप्लिन में रहो। देखिए, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, मोटिवेशन थोड़ी देर के रहता है, बट डिसिप्लिन आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, पेपर को जो आपका आने वाला है कनिष्ठ सहायक का पेपर, उसके लिए पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो गए यहाँ पे, तो आपको जो पढ़ेंगे वो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और ज्यादा इधर उधर मत भागिए कि पूरा नया हो गया, ये हो गया है। मैं टेलीग्राम पे देख रहा हूँ कि बहुत से मैसेज, बहुत, इतना जरूरत नहीं है मैसेज करने की आपको। आपने जो पढ़ा है 5-6 नंबर का जो कवर करना है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको चीजें, बाकी भी PDF जहाँ से हो रही है प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके पास भी कुछ सोर्स होंगे, देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन जहाँ आ रहे हैं नए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलो एक बार पहले हम पूरा डिस्कस करते हैं पूरे पैटर्न को। पहली बात देखिए, पहला आपका हिंदी, हिंदी में भी दो चीजें हैं, 15 नंबर हिंदी, 5 नंबर उत्तराखंड की संस्कृति। ठीक है, जिसमें संस्कृति में लोकगीत, ये बताऊंगा मैं कैसे कवर करने लोकगीत को। ठीक है, शब्दकोश, अब देखो एक दो शब्दकोश तो पूछेगा, वो गढ़वाली पूछे, कुमाऊनी पूछे, जौनसारी पूछे, बट अब ये ऐसा रहेगा, ये आता है नहीं आता है, कोई इसको छूट भी जाए कोई बात नहीं। अब देखो, जो गढ़वाल के लोग होंगे वो गढ़वाली शब्द कर लेंगे, जौनसारी वाले होंगे जौनसार वाले कर लेंगे, कुमाऊनी पूछे कुमाऊनी करेंगे। अब बेनिफिट तो रहने वाला है जो जो शब्द जहां से पूछा जाएगा। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। फिर आता है लोकोक्ति, एक क्वेश्चन लोकोक्ति का भी आ रहा है। हिंदी में पैटर्न वही है, जहां जहां से चीजें आपकी कवर हो रही है, जैसे पहला रचयिता वाला है जो आपकी, ठीक है, रचयिता जितने हैं वहां से एक क्वेश्चन पूछता ही है, वो पैटर्न है, वो पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, सेकेंड चीज है, एक लोकगीत से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब लोकगीत तो कैसे कवर करेंगे। देखिए, उत्तराखंड के जो सेमा सेमा लोक कलाकार हैं, लोक गायककार हैं, ठीक है, जैसे नेगी जी का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन भरद्वाज जी का उनका पूछा था, उसका देखिए क्या करना है आपको। कुमाऊनी गढ़वाली जो मेन मेन सिंगर है, उनकी एक जो यूट्यूब पे, देखिए आप यूट्यूब पे सब लोग हैं, ठीक है, यूट्यूब पे उनकी सर्च मारेंगे नाम से, लिस्ट करके उनके सभी नाम खुल जाएंगे आपको नीचे को। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, लिस्ट में उनके नाम होंगे और नाम के पीछे उनका नाम आगे टाइटल लिखा हुआ है। आपको सॉन्ग सुनने नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है उनके टाइटल को पढ़ना है। ठीक है, टाइटल को पढ़ेंगे और जैसे एग्जाम में आप जाएंगे, ये सॉन्ग ऐसी चीजें होती है, गाने ऐसे होते हैं कि आपने एक बार टाइटल पढ़ा, आपके एग्जाम में सामने देखो ऑप्शन तो होता है वहां, तो आपको नाम देखना नहीं है कि किसका था, 4 ऑप्शन भी होंगे, तो थोड़ा बहुत अगर आपने लिस्ट को देखा हुआ था तो आप डायरेक्टली वहां पे चीजों को क्लिक कर लेंगे। तो पहली बात, लोकगीत को यहाँ से कवर करना है, ऐसे ही करना है, और आपको देख के जाना है, क्योंकि लोकगीत इससे पहले एग्जाम में आपका जो आबकारी का एग्जाम था वहां पर भी पूछा गया था नरेंद्र जी का गाना, और अभी भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपको कुमाऊनी गढ़वाली जो मेन मेन है तो देख लेंगे, कौन कौन आपको पता ही होता है, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके उनके गाने को सुनना नहीं है, गानों को देखना है, प्लेलिस्ट को देखना है बस। क्लियर, पहली बात क्लियर हो गई। मैंने शब्द को उसका बता दिया, एक शब्द पूछ रहा है या गढ़वाली कुमाऊनी, इस बार जौनसारी पूछ लिया था मेहमान वाला, इससे पहले गढ़वाली पूछा था, अब शायद कुमाऊनी पूछे, वो शब्द ऐसा है
आ गया तो ठीक है, बाकी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है एक पीडीएफ, उसमें शब्द दिए हुए हैं, उनको एक बार देख लेना, कोई क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद लोकगीत, सॉरी लोकोक्तियां, लोकोक्तियां जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, पहले ही पढ़ी थी, अभी भी देखो, थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं तो आपको भी थोड़ा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने जो पहले पढ़ा है वही सर वही पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, नहीं, थोड़ी चीजें अपडेट होती है, हर जगह अपडेट होती है। आप देखिए यूट्यूब आप चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, चीजें भी अपडेटेड आता है ना उनमें, एक एक महीने में अपडेट करते हैं चीजों को, तो वही चीजें हैं। आप भी यहाँ भी थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेट कीजिए, इससे चीजें क्लियर हो जाए आप लोगों की। इसके लिए बुक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग जुड़ जाना, जहां भी मुझे शब्द मिल रहे हैं, लोकोक्तियां मिल रही है, मैं भेज दे रहा हूँ, वो पढ़ लीजिएगा। देखो आपकी किस्मत सही होगी तो उसी में से आ जाएगा, अब नहीं होगी तो देखिए दो सब एक शब्द के लिए एक शब्द एक क्वेश्चन का पूछा, इसके लिए आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, या तो आपके पास इतना टाइम है कि दो साल बाद पेपर है, एक साल बाद पेपर है, तो आप सब किताबों को चट जाइए, एक बार चट कर जाइए, नहीं करना है ना, क्योंकि आपके पास 40 दिन का टाइम है। और ये नहीं है कि यही शब्द पूछेंगे, जरूरी नहीं है, यहाँ पैटर्न कहीं फिक्स नहीं है कि शब्द आएगा आएगा, नहीं पूछेगा फिर क्या करेंगे आप लोग, तो थोड़ा 5 नंबर के लिए ऐसा करिए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 95 नंबर तो है ना आपके पास, 95 में से मेरिट के लेके आइए, वो 5 नंबर सबके जाएंगे, आपके ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपके हिंदी के अंतर्गत। अभी बाकी इसमें जो 10 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं हिंदी में, वो वही है, एक संधि से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है संधि से, एक अलंकार लोग कहते हैं नहीं पूछता, मैं हमेशा कहता हूँ सिलेबस पूरा पढ़िए। इससे पहले बहुत बच्चे कहते हैं जैसे मैं समास कराऊं अलंकार कराऊं तो कहते हैं कि सर समास सिलेबस में नहीं है, अलंकार सिलेबस में नहीं है। कल देखा आपने अलंकार का क्वेश्चन पूछ लिया था, अतिशयोक्ति अलंकार वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आयोग का कुछ भी भरोसा नहीं है, आप लोग क्या कहेंगे आप, आपने सिलेबस नहीं, आप कर सकते हैं क्लेम, नहीं कर सकते क्योंकि उसने हिंदी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अलंकार भी मतलब सब कुछ को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा संधि से पूछता है, आगे जैसे इस बार उपकार ये उपसर्ग नहीं पूछे गए थे, उपसर्ग से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्णमाला का चैप्टर है आपका, वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ एक चीज हो रहा है कि इससे पहले जो चैप्टर था वो वन लाइनर पूछ रहा था, अभी क्या कह रहा है कि वर्णमाला देखिए कंठ कंठ टालू वाले जैसे क ख ग घ मैचिंग फॉलोइंग में पूछ लिया उन्होंने, क्वेश्चन तो हुई है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया है, लंबा आपको पता है कंठ क्या है, तालू क्या है, मूर्धन्य क्या है, ओष्ठ क्या है, तो वो आपको पढ़ा है, तो वही एक क्वेश्चन वहां से कवर करना है। एक आपका जो मैंने बताया कि साहित्य से कवर करना है, साहित्य से कुछ भी पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आपकी संधि से पूछ रहा है, अलंकार से पूछ रहा है, वर्ण जो आपका व्याकरण है व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन तो व्याकरण से। अब देखिए उद्दंड मातंड वाला जो पूछा था हिंदी पत्रिका ही था, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वो तो सेम पैटर्न है ना, वो तो आप पहले से भी पढ़ते हैं, आपको नया जो पढ़ना है 4 से 5 नंबर का पढ़ना है, ठीक है। आयोग आपको समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हिंदी की चीजें वही है, बस जो मैंने बताया 5 नंबर के लिए अलग से पढ़ना है वो करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज ये भी हो रहा है 5 नंबर की, तो यहाँ संस्कृति पूछ लिया है, 5 नंबर की संस्कृति है उत्तराखंड के जीके में भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसको हम जीके में अभी कवर करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही और 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो संस्कृति से आ रहे हैं, मतलब 90 नंबर का तो आपका रेडी है सिलेबस, पर 5 नंबर 10 नंबर का आपका अलग से थोड़ा एडिशनल चीजें ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे रीजनिंग की बात करूंगा, 10 नंबर की है आपकी रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग 10 नंबर की है, वो बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप डेली बेसिस पढ़ते हैं तो वही रीजनिंग के क्वेश्चन है। एक आपका फिगर काउंटिंग वाला, एक आपका डायरेक्शन वाला, एक आपका ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया। एक आपका फिगर वो वाला जो आकृति जो पूछता है कि इसमें कितनी आकृतियां हैं, मैच करो आकृतियों को, एक क्वेश्चन वो वाला पूछा गया है, ठीक है। तो ये बेसिक है, बाकी एक अल्फाबेट वाला पूछ लेता है जो वर्ण वाला क्रम वाला होता है, तो ये आपका रीजनिंग का बेसिक सिलेबस है जो नॉर्मल रहता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा 30 नंबर का कवर हो गया है चीजें, बचा हमारा 70 नंबर। अब 70 में से 40 जो है आपके 20 का वो हो गया, 10 का आपकी रीजनिंग हो गई, 40 जो बचे उसमें से आपका 40 का उत्तराखंड है और 30 नंबर का आपका जीएस है। जीएस में पहले जीएस की बात कर लूँ, उत्तराखंड की बात करके, उत्तराखंड में चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करनी है मुझे। जीएस में तो वही है कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये भी क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वन लाइनर फॉर्म में दे, यहाँ पर भी क्या मैचिंग फॉलोइंग दे देगा, वन लाइनर ही को 4 क्वेश्चन बना दे रहे हैं वो, ठीक है। कंप्यूटर पॉलिटी जो मैं हमेशा कहता हूँ फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे थे वही पूछे थे यहाँ पे, ठीक है। फंडा जो मूल अधिकार है हमारे, 13वां कौन सा है, 17वां कौन सा है, 19वां कौन सा है, वो आप पढ़ते पता होता है आपको। हाँ ज्योग्राफी में थोड़ी चीजें वर्ल्ड लेवल कुछ ज्यादा पूछ ले रहा है, जो कि अब देखो जीएस में ऐसा होता है ना 30 में से 30 किसी के नहीं आते, आप कोई भी एग्जाम दो 30 में से नहीं आएंगे, आपको 22-24 के आसपास जाना होता है, तो आप उसमें से जा सकते हैं इजीली, क्योंकि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमी के अंदर भी चीजें क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे स्कीम पूछ लेगा, ठीक है। करंट के क्वेश्चन तो अभी थे नहीं, बट करंट भी आप करना है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन करंट के भी रेडी रहना है। करंट अफेयर के लिए मैं बात करूंगा मेनली,
आप ना बहुत ज्यादा भागते हैं, मैं देखता हूँ हर बंदा करंट अफेयर के पीछे जा रहा है, जहां जिस चैनल पे आपकी वीडियो मिल रही है वहां वीडियो देख रहा है, आप कुछ ज्यादा मिलता है क्या करंट अफेयर से? देखिए लिमिटेड पड़ी है वो, इसी में से करंट अफेयर आएंगी आपको एक बार जगह देखना, हर कोई वही कराता है, मैं वही कराता हूँ, दूसरा चैनल वाला होगा वही कराएगा। हाँ एक होगा कि मेरे जो वीडियो में करंट अफेयर अभी मैंने करवा दिया, दूसरी वीडियो में अलग कराऊं तो दूसरा वीडियो वाला क्या करेगा, उसको जो मेरे क्वेश्चन सेकंड वाले में वो पहले वाले में करवा देगा। बस डिफरेंस वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और करंट का आपने देखा एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे ज्यादा नहीं था, वो भी आपका जो पनीर वाला था, पनीर गांव वाला, ठीक है, एक ही क्वेश्चन था वो। तो करंट के ऊपर ज्यादा मत भागिए। यूके पीएस ट्रिपल एससी की बात कर रहा हूँ, यूके ट्रिपल एससी में करंट अफेयर का भरोसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा। तीन चार क्वेश्चन के लिए नॉर्मल वीडियो या बुक्स, कोई ग्रीन टर्न बुक है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप उसको पढ़िए, वहां से आप कवर हो जाएगा, ठीक है। जो ज्यादा जितने आप पार्ट देखेंगे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे इतनी करंट अफेयर देखने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस का पोर्शन। तो पॉलिटी हिस्ट्री वही पूछ रहा है जो हमेशा पूछता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। अब मेनली जो बात करने वाला हूँ मैं, करने वाला हूँ उत्तराखंड के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि उत्तराखंड का अभी पूरा पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ है। मतलब उत्तराखंड मीन्स जो उत्तराखंड के 40 नंबर हैं इसको कैसे कवर करना है। इसके लिए देखिए, अब ये नहीं कि बुक्स के पीछे भागो, फिर से वही बात, परीक्षा वाणी से नहीं पूछ रहा है, क्यों नहीं पूछ रहा है? वीर रस वाला जो था वो कौन सा था, इसी कैसा था ना, परीक्षा वाणी के अंदर से ही था ना, जो नित्य दिए हुए थे परीक्षा वाणी से ही था ना, परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर 40 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन अभी भी परीक्षा वाणी से आते हैं। हाँ जो 15 क्वेश्चन है वो परीक्षा वाणी से नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप परीक्षा वाणी को नहीं पढ़ेंगे या बीएसनेगी को नहीं पढ़ेंगे। बीएसनेगी में भी आप पढ़ेंगे तो सेम चीजें मिलेंगी, आप दो बुक पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक बुक ही आपको आगे लेके जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो हम बेसिक बुक को छोड़ दें। कमेंट अफेयर मैं देख रहा था कमेंट में, सर हम बेसिक बुकों को परीक्षा वाणी को छोड़ देंगे, बीएसनेगी को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ोगे भाई, आपको उसी से आगे चढ़ना है, उसी से आपको पेपर निकालना है आगे, ठीक है। तो बीएसनेगी और परीक्षा वाणी को साथ में लेके चलना है, अगर वो छोड़ोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। क्योंकि 25 क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, आप जो 15 क्वेश्चन के लिए भाग रहे हैं ये 25 क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो? फिर बोल के आएंगे सर कि पेपर परीक्षा वाणी से आ गया, सर गलती कर दी, पड़ी नहीं। मैं अभी कह रहा हूँ 40 दिन बचे हैं, परीक्षा वाणी और बीएसनेगी को कोई नहीं छोड़ेगा। अजय रावत जी की बुक देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं, गोला दीप कढ़ाई दीप सिरती कर क्या था, टीका कर क्या था, जूला कर क्या है, वो कहां से क्वेश्चन आए, वो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए ना, गोरखाओं से क्वेश्चन आए हैं। चंद्रवंश में आपने अजय रावत पढ़ी होगी तो उसमें पहले दिया है चंद्रवंश के जो सेनापति लोग थे, फरत्याल थे, मेहरा थे, वो कहां से पूछा गया है, वहीं से पूछा गया परीक्षा, ये आपके अजय रावत से, वो कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को एनालिसिस कीजिए। अभी मैंने पेपर भेजा भी है टेलीग्राम में, अभी पेपर करवाया, मैं इसके बाद आपको पेपर भी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप पेन और कॉपी पकड़ के बैठना और देखना कि क्वेश्चन का जो लेबल है, लेबल तो क्या कह सकते हैं, या जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, मेनली मैं वही बताऊंगा कि आपको फोकस वही करना, उन्हीं बुकों पे करना है, ठीक है। तो ये अजय रावत जी के हिस्ट्री के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आए वो यहीं से आए हुए हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहे हैं 5-10 तो कहीं भी पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी परीक्षा वाणी में, करंट अफेयर कुछ नहीं पूछा गया यहाँ पे। अब परीक्षा वाणी के साथ अब क्या करेंगे आप लोग, जो उत्तराखंड के लिए लोकोक्ति, संस्कृति और आपके जो कह सकते हैं कि शब्दकोश है या संस्कृत जो क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड कर भी रहा हूँ। अब देखिए अगर आपके पास बलौदे जी की बुक है, अभी तो मुझे एक ही बुक याद आई, वैसे खिच्चर कामची वाली जो बुक है वो पूछी गई थी, मतलब वो उसके अंदर शब्दकोश पूछा गया, वो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, उसको पढ़िए, ज्यादा पेज नहीं है उसमें, 120 पेज है। शब्द पढ़ेंगे तो आधे तो आपको पता होते रहे, आप लोग पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, गांव घर में आपने कभी ना कभी सुने होंगे, एक बार पढ़ेंगे उनमें याद नहीं करना होता है, वो एक बार पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और ये देखिए आपकी जैसे ये वाली बुक है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ एक बार, बलौदी जी की जो बुक है इसमें 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपकी संस्कृति को रिलेट कर रहे हैं, मतलब संस्कृति एक्स्ट्रा यहाँ पे चैप्टर डाले हुए हैं। देखिए जैसे कि इसमें एक चैप्टर था आपका, ये वाला आपका 6 चैप्टर दिया हुआ है इसमें, ये बहुत पुरानी बुक है, संस्कृत तथा लोक जीवन, इसमें आपके लोकोक्तियां दी, लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोकोक्तियां, उत्तराखंड की अतीत पहेलियां, चुटकुला सब दिए हुए हैं, इसकी पीडीएफ मैंने डाल दी है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, शब्द आएंगे यहीं से आएंगे। इसमें आप जब पीछे जाएंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो विशिष्ट ये दी हुई है, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के लोक कलाकार, स्थानीय रिश्ते नाते, कुमाऊनी गढ़वाली के गढ़, ठीक है, साथ में पूरा मतलब इसमें दिया हुआ है शब्द को, देखिए उत्तराखंड की लोक भाषाएं, गढ़वाली कुमाऊनी के प्रचलित विशिष्ट शब्दावलियां दी हुई हैं, आएंगे ये भी पढ़ लेंगे ना, यहीं से भी एक क्वेश्चन इन्हीं में से भी आ सकता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने जो इम्पोर्टेंट है दे दी है आपको, फोटो भी भेजते हैं, आप देखे होंगे टेलीग्राम पे अगर आप लोग जुड़े हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा, अगर आने वाला होगा यहीं से आ जाएगा, नहीं छोड़ देना,
अब ज्यादा टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़ो, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी आप लोगों को, क्योंकि कल के दिन मुझे बोलेंगे कि सर आपने मना किया था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरी बुक मतलब टाइम नहीं है, 6 महीने का टाइम होता है एग्जाम में तो कहते चलो पढ़ो, आपका 40 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब मेन चीज अच्छी बताऊंगा मैं, डीमोटिवेशन हो रहा है क्वेश्चन को देख के, पेपर देख के डीमोटिवेट, जो ये 7-8 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं ना, आत्मा जो परमात्मा ने कहा जो पहुंच रही है आपकी, ठीक है, तो यही है कि 7 क्वेश्चन के लिए आपको डीमोटिवेशन हो रहा है, ठीक है, नहीं होना है, क्योंकि डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट होने के बाद जो आपके 93 नंबर है ना, ये भी चले जाएंगे, एक बात ध्यान देना, तो आपको इनके मेहनत करनी है। अब ये नहीं है कि मेरिट जैसे पहले 100 नंबर का पेपर होता है, मेरिट 75-80 जा रही थी, ये होगा 75 आपकी, ये जो 75 है ये आपके 65-70 जाएगी, जो कि देखिए उत्तराखंड के जो एग्जाम थे पहले 2020 से पहले, उनमें जो सिलेक्शन होता था वो 55 नंबर, 60 नंबर, 62 नंबर सिलेक्शन हो जाता था। अभी क्या हुआ कि पेपर थोड़े इजी बने लग गए थे, वन लाइनर फॉर्म में पैटर्न पता ही चल रहा था, तो मेरी 70-80 जा रही थी। अब क्या होगा, यहाँ तो ये क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं, इनसे क्या होगा, जो मेरिट होगी वो 5-10 नंबर घट जाएगी, कोई लॉस नहीं है ना, नंबर यहाँ कम आ रहे हैं, ये 5 नंबर घटा दो, अब यहाँ 93 से नंबर जा रही है मेरिट, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं आपको ज्यादा कंफ्यूजन करती हैं बुक्स के रिलेटेड, तो बुक्स वही जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, एडिशनल चीजें जो होंगी वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, आप लोग इतने टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वहां पे पीडीएफ शेयर होते रहेगी। हाँ, कभी कभी आपको लग रहा है कि शब्द को समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देखनी है, तो आपके पास वीडियो भी मिल जाएंगी, बहुत से लोग डालते हैं वीडियो, ठीक है, बहुत चैनल है जो आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं शब्द को वाली, आप उनको सुन लीजिएगा, उससे भी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और एक चीज और सबसे मेन बात करूंगा, अभी के टाइम पे अब एग्जाम, जो एग्जाम है आपका अभी के टाइम पे, एग्जाम वही निकालेगा जो अपनी रूह से, मतलब कहने मतलब है जो अपनी संस्कृति से थोड़ा जुड़ा हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जो पेपर देखा स्टेनो का, ठीक है, इस पेपर के अकॉर्डिंग आपने देखा कि जो आपको ज्यादा पढ़ता भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ता है, जो अपने डेली बेसिस पे अपनी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी संस्कृति से थोड़ा बहुत टच में है, सो अपनी जो कल्चर को थोड़ा सा भी जानता है, अपने कल्चर को पहचानने की ट्राई कर रहा है, तो वो इस पेपर को आराम से 55-60 नंबर में क्वालिफाई कर भी सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन तो ऐसे थे ही, इसमें तो ज्यादा पूछ लिए थे थोड़ा, कि जो डेली बेसिस पे सॉन्ग सुनता है, ठीक है, थोड़ा म्यूजिकली रहते ना बाथरूम में नहाने वाले, जो आप कह सकते हैं कि गुनगुनाते हैं, तो पहाड़ी गाने वगैरह जो सुनता है, इधर ट्रेवलिंग करने में जो गाने सुनता है, नेगी जी के गाने सुनता है या फिर इंदिरा राजा जी के गाने सुनता है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्वेश्चन ही वही पूछे जाते हैं ना जो मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है, अब सांवरी सांवरी आप लोग सुनेंगे तो वो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं आई थिंक, जहां तक है, जैसे आपका बेड़ू बाको 12 मासा बहुत पुराना गाना है, बहुत मीनिंगफुल गाना है, तो वो पूछने का मीनिंग होता है। अब जिस गाने का मीनिंग ही नहीं है वो गाने आयोग भी नहीं पूछेगा, आयोग में भी ऐसे लोग नहीं बैठे हैं, उनके ऊपर ही बात आती है, उनको भी अपने देने पड़ते हैं बाद में, ठीक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जमाना है तो लेवल बात बहुत ऊपर चले जाती है। आपने लास्ट टाइम देखा था कोई हरिद्वार से विधायक थे, उनके द्वारा जब गढ़वाली कुमाऊनी संस्कृति के क्वेश्चन पूछे गए थे, उस टाइम पे क्या हुआ था कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री को शायद ज्ञापन दिया गया था कि जो तराई भाबर के लोग हैं, उधमसिंह नगर या फिर हरिद्वार के हैं, वो बच्चे कहाँ से कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति के वैसे क्वेश्चन, तो ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और आजकल तो हर चीज पॉलिटिकली जोड़ दी जाती है, तो क्वेश्चन भी वही आएंगे जो थोड़ा जो गाने भी लोकगीत जो होंगे जो हमारे कल्चर को संस्कृति को प्रमोट कर रहे होंगे या कुछ अच्छी चीजें दिखाई होंगी, ठीक है। अब ये नहीं जिसका गाने का मतलब ही नहीं है तो वो ऐसे कोई आयोग भी नहीं पूछता, क्योंकि आयोग में भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, क्लियर है, तो आपको ये चीज ध्यान देना। हाँ, थोड़ा अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए, थोड़ा अपने कल्चर को जानने का ट्राई कीजिए, ये नहीं कि हर चीजें बुक से ही आती है, कुछ चीजें बुक से बाहर से भी आती है। आप जब उत्तराखंड में घूमते हैं, ठीक है, आपने बहुत से ब्लॉगर भी होंगे जो घूमते होंगे, तो उन जगह को जाके देखिए कि उनका कल्चरली सिग्निफिकेंस क्या, उन चीजों का जो महत्व क्या है कल्चरली, ठीक है, तो कल्चर की चीजों से महत्व फिर जैसे आप जाएंगे घूमेंगे चीजें पता चलेंगी, ठीक है, आप लोगों को ये बता रहा था मुझे। उसके बाद कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे कि आप लोगों के थे, हाँ, पहली बात थी कि कितने नंबरों पे फोकस करना है, तो मैंने आपको बता ही दिया, जो 90-10 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने हैं जो आपको नहीं भी आएंगे और उनमें टुक्के लग सकते हैं वहां पे, ठीक है, तो आपको ज्यादा फोकस करना है 90 नंबर पे ज्यादा फोकस करना है, जो कि आपके पुराने पैटर्न पे रहेंगे, ठीक है। पुराने पैटर्न मीन्स अभी मैं पेपर दिखाऊंगा तो वहां पे चीजें डिस्कस कर लूंगा, आगे पहले आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने बात कर, दूसरा टॉपिक था 7-8 क्वेश्चन में डीमोटिवेशन हो रहा है, वो मैंने कवर कर लिया आप लोगों का। वन लाइनर फॉर्म वाले पे देखिए, वन लाइनर जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो अभी भी वन लाइनर पढ़िए, वन लाइनर क्वेश्चन जो बन रहे हैं
वो मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ये देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो था ये आपका वन लाइन ही आप पढ़ते हैं, न्योली गीत क्या है, ये जोड़ा क्या है, हुड़की बोल क्या है, आप पहले वन लाइन में पढ़ते थे। बट अभी इसने क्या कर रखा है, ये चार क्वेश्चन दे दिए हैं, अब इनको मैचिंग फॉलोइंग में डालना है, तो इसमें गलत क्या है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ उसने ये इसलिए कर रखा है क्योंकि आपका टाइम जाए, पहले आप देखते थे UK SSSC के जो पेपर होते थे वो आप क्या करते थे 1.5 घंटे में करके बैठ जाते थे, आधे घंटे मिलता था, अभी क्या होगा आपको लास्ट में 5 मिनट बचेंगे 10 मिनट बचेंगे, क्या पता टाइम भी ना बचे, तो मेन चीज ये है, ठीक है, इसमें भी ध्यान देना है, ये वन लाइनर फॉर्म में ही। अब देखिए पहले क्या पूछा था, क कंठ है तालु है, घ कंठ है तालु है, बताओ। अब यहाँ पे उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, अब आपको मैच करना है, क्वेश्चन का ना आपका टाइम बढ़ा दिया है, क्वेश्चन वही है, बस मेन बात यहाँ समझिए, मैं यही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वही है, वह इनको अलग, इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज कर दिया है बस, ठीक है। अब जैसे पहले पूछता था आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है, पहले चार देता था, ऑप्शन ए में दे देगा चिरायु, ऑप्शन बी में दे देगा आपका संतायु, ऑप्शन सी में थीरी में दे देगा दीर्घायु, दीर्घायु तो होगी चिरायु दीर्घायु सी में, या बोल देगा कि बलिष्ठ, उसमें क्या था आपको एक टिक करना था। अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, अलग अलग दे दिए हैं सभी, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, देखिए दीर्घायु यहाँ पर भी था, दीर्घायु यहाँ पर भी है, बट कायर नहीं होता है, चिरंजीव चिरायु दीर्घायु ये होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे, क्वेश्चन वही है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है। सेम वे आगे भी देखिए वन लाइनर, यहाँ भी अभी वन लाइनर ही फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या पूछता कि निम्न साहित्यकारों में जन्मतिथि के अनुसार कौन सी जन्मतिथि किसकी पहली, ये पूछता, अब यहाँ पे इसने क्रम पूछ लिया है, बस चारों का क्रम पूछ लिया है, ये भी आपका ट्रिक से बन जाएगा, क्लियर है ना आप लोगों को मैं जो कह रहा हूँ। अब पहले पूछता गले का हार होना, मंडू पोखी लो आप ही देखी लो, अब देखिए ये क्या है गले का हार होना, ये हिंदी में आप मुहावरा पढ़ते हैं, अब ये जो मुहावरा है ये आपने कुमाऊनी दे दिया है, तो कथन बना के क्वेश्चन डाल दिया है, वन लाइनर की जगह कथन डाल दिया है। अब जैसे मुंडू पोखिल आप ही देखिए, मतलब मुंडू मतलब जो रागी होता है मड़ुआ होता है, पोखिल मतलब गिरने को पोखना कहते हैं कुमाऊनी गढ़वाली में, अफी मतलब अपने आप कहते ना अफी, देखिए मतलब अपने आप को दिखेगा, देखिए मतलब दिखेगा, ठीक है। तो मुंडा गिरेगा मतलब जो मड़ुआ गिरेगा अपने आप दिखेगा, तो मुंडू पोखिल अफी देखिए। तो इसने क्या कर दिया, नीचे क्वेश्चन दे दिया है कि कथन एक हिंदी भाषा का है, हाँ सही है, कथन दो गढ़वाली भाषा का है, नहीं गलत है क्योंकि ये कुमाऊनी भाषा का है, तो कथन एक हिंदी भाषा का है, कुमाऊनी दूसरा क्या कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, बस यही था और कुछ चीजें थी नहीं, था तो वन लाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब ये हिंदी में इनने थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है, तो इनमें थोड़ा ध्यान देना बाकी चीजें। अब देखो एक आध क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, अब इनमें आउट ऑफ सिलेबस ही नहीं है, ये आपका कथन पढ़ना है, ये भी एग्जाम, अब ये यहाँ पे ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर पाएंगे साथ में। अभी मैं हिंदी दिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेट, अब यहाँ पर देखिए 89वां सवाल देखिए, आप लोग खुद देखिए क्या बोला गया है, वन लाइनर ही है ना, राज्य किससे संबंध है, वन रॉथ कहते हैं, ये आपका परीक्षावाणी मेंशन कर रखा है, तो परीक्षावाणी से कहाँ से पेपर नहीं आया, परीक्षावाणी से ही पेपर आया है। भोटिया जनजाति को हम सौखा कहते हैं, इससे पहले भी ये वन लाइनर फॉर्म में भोटियाओं को और क्या कहते हैं, ये आपका आबकारी में आई थिंक वीडियो बीपीडीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनको सौखा कहा जाता है, आई थिंक 31 दिसंबर का वीडियो बीपीडीओ का पेपर था, वहां पूछा गया था ये क्वेश्चन। थारू, थारू क्या होते हैं, तोमर, बोक्सा जाति, कुरी, ये तो लिखा हुआ है ना आपका, तो पेपर वही है बट पैटर्न चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, ठीक है। इस वीडियो का मेन जो मेरा मतलब था वो यही था, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि अब इसके पास है आपको कहीं यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना था, इनको सुमिलित करना है, ये विलोम तत्व दिए हुए हैं। अब पहले एक्टिव होता कि खंडन का विलोम क्या होता है, अब यहाँ पे इसने चार ऑप्शन बना दिए, मतलब एग्जाम टाइम टेकिंग, एग्जाम में आपको टाइम लेना, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टोटली ओवरऑल पेपर देख के यही लग रहा है, और आप जो पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अब ये देखिए गाने पूछ लिए हैं, अब सिंगल गाना नहीं पूछा है और मैचिंग फॉलोइंग में डाल दिया है, अब इसमें से आपको एक भी पता होगा तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। यहाँ पे संधि पूछी गई थी, कौन सी संधि है करके, अब देखिए बाजूबंद प्रेम गीत है, आप पढ़ते हैं पहले से ही पढ़ते हैं, खुड़ेद गीत क्या होता है, कहाँ गाया जाता है, या वन लाइन में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया एग्जाम पेपर का, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर तो GS में आपके वन लाइनरी फॉर्म है, कुछ भी अलग नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखिए संविधान संशोधन डायरेक्टिव पूछा गया है, यहाँ पे नदियां पूछी गई, आप सिंबल नाइजर नहीं पूछता है, नर्मदा नदी, अलकनटक, झेलम, चार क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना दिया है, वन लाइनरी, ये भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये था। चलिए
अब हम आगे देख लेते हैं, आगे आपके क्वेश्चन जो था उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं एक बार। बुक्स पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े? बुक्स का मैंने बता दिया, वही बुक पढ़िए। बाकी जो एडिशनल ये शब्दकोश वाली बुक होंगी इसकी पीडीएफ मैं ट्राई करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं। बाकी आप जब तक नहीं होती है तो वीडियो वगैरह भी सुन सकते हैं, पर ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि शब्दकोश के लिए आप पूरी बुक पढ़ेंगे 200 पेज की तो एक क्वेश्चन आने वाला है, टाइम नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए सॉन्ग कुमाऊनी गढ़वाली, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन था सर सॉन्ग के लिए क्या करें। देखिए जो लोकगीत है सॉन्ग के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले कह दिया इंपोर्टेंट जो भी सिंगर है उनके प्लेलिस्ट में जाके सॉन्ग सर्च करेंगे, नरेंद्र नेगी जी रजिस्टर, तो जो सॉन्ग आएंगे उनको सुनना नहीं है, उनको एक बार रीड कर लेना जल्दी जल्दी, बस ये सॉन्ग इनका है, नरेंद्र जी का ये गाना है, तो एग्जाम में वो क्लिक हो जाएंगे वहां से अगर आएंगे तो, ठीक है। पांचवा छठा क्वेश्चन था आप लोगों का जीएस रीजनिंग को कैसे करना है, सेम पैटर्न बता दिया मैंने, रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जीएस में भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप जीएस की नॉर्मल बुक पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का सार मैं भी करवा रहा हूँ, उसको भी फॉलो करेंगे तो डायरेक्टली आपको कल से एग्जाम वहां से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 199 एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन था हिंदी कैसे करें, हिंदी का मैंने बता दिया है पहले ही, तो ये आपके क्वेश्चन थे। सातवां था करंट अफेयर, सर नहीं पूछ रहा है, हाँ ऑब्वियसली मैंने कहा था करंट अफेयर को इतना पढ़िए कि जो एग्जाम के लिए ठीक है, बाकी है जो आप इतनी मोटी वर्क भर देते हैं ना करंट अफेयर से, डेली के 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कुछ मतलब नहीं होता उनका, जब एग्जाम से पहले आप रिवीजन करने चलते हैं तो इतनी मोटी बुक बन जाती है करंट अफेयर की, तो वो आपको नहीं देखनी है, सर्च करिए। देखिए मैं यहाँ पे कोई मैं नहीं कहूंगा मुझसे पढ़िए, बट मैं सिलेक्टेड मंथली ये करके करंट अफेयर जो लिखा था उनको एक बार 15-20 मिनट में सुन लीजिए, क्या पता वहां से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि करंट अफेयर का समुंदर है पूरा, समुंदर में डूबना नहीं है तैर के बाहर निकलना है, ठीक है। ये चीजें हो गई है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी इसके थ्रू, ठीक है। अब मैं एक बार पेपर का जो आधा आपको मैंने पेपर दिखा दिया है उसको फिर एक बार और दिखा देता हूँ, और बाकी आप जो बार बार कहते हैं कि तेरे सर पीडीएफ, मेरे पास जो पीडीएफ होती है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, बाकी ग्रुप में सब मिल जाता है, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली रोज एक को भेजूंगा तो फिर नहीं हो पाता है ना, ऐसे मैं डेली ग्रुप में थोड़ा जाकर सर्च कीजिए, मैं उसमें पीडीएफ का नाम लिख देता हूँ, तो आप ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है तो वहां पे जो बुक आपको चाहिए उसका नाम लिखिए तो आपको वो पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जीएस में तो सेम चीज है, देखिए अब पॉलिटी के अंतर्गत जो आपका यहाँ पे पूछे गए थे फंडामेंटल राइट, तो ये भी आपके मैचिंग फॉलोइंग में पूछ लिए थे, ठीक है, इनमें कुछ चेंजेस था नहीं। बाकी वन लाइनर फॉर्म में अब यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क पता होते हैं, पूछा गया था कि कौन सा सही मिलान है एक, बाकी ये गलत था कान्हा वाला, ये पेरियार केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुरी आपका कर्नाटका में है, ठीक है, तो ये भी चीजें हो गई। इसके पहले कोरेलू झील कहाँ है ये भी आपको पता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम उत्तराखंड क्वेश्चन देखते हैं, 40 क्वेश्चन जो थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा इनमें डिफरेंस था नहीं, ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये भी वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में है, निम्न में किस नृत्य में स्थित पुरुष नृत्य की भाग लेते हैं, अब ये भी जो आपका परीक्षा वाणी से क्वेश्चन था ना, कौन कह रहा है कि परीक्षा वाणी से क्वेश्चन नहीं है, बीएच नेगी में भी ये क्वेश्चन है, बीएच नेगी और परीक्षा वाणी आप पढ़ते रहिए। अब ये चलो देखिए ये भी लिखा हुआ है बीएच नेगी में कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2000 के बाद कौन सा बना है, तो उत्तराखंड टी फैक्ट्री बनी थी, ये भी पता, ये आपको सब दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉमन ये देखिए फर्स्ट परीक्षा वाणी का पहला पेज कॉमन पीकॉक दिया हुआ है, तो क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं आप लोग, ये होता है ना, ये चीजें होती हैं, आप लोग फोकस वहां कर रहे हैं जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही नहीं गया है, उस पे कहते हैं कि सर अलग भिटौली, बार बार भिटौली चैत माह में भिटौली दी जाती है, कुमाऊं क्षेत्र में खासकर अपनी बहनों को यहाँ पे मिठाई वगैरह जो देते हैं, मिश्री हो गया, मिठाई हो गया, वस्त्र हो गए वो देते हैं, तो परिवार में की विवाहित महिला को उपहार भेंट दी जाती है, भिटौली देने जाते हैं चैत के महीने में, तो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन वही है, बट आप लोग ज्यादा फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मतलब संस्कृति क्वेश्चन पे, बाकी ये देखिए 90 क्वेश्चन तो आपके पढ़े में से आए हैं, 10 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, छोड़ दो 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब चंद्रवंश वाला क्वेश्चन देखिए, फोकस करने मत, मैं ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसका मतलब है कि आप लोगों को किन टॉपिक पे फोकस करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ढोल दमाऊं, ठीक है, जो हिटवा बजा कहते हैं, हिटते हुए बजते चलते हुए, हिटना मतलब चलना, अब चंद्रकाल की ये पूछी हुई है यहाँ पे, गोरखाओं के तराजू दीप गोला दीप पूछा गया था, ये अजय रावत से पूछा गया है, परीक्षा वाणी में भी आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलमार्ग कब से चल रहा है, तो इसको तो पता हो जाएगा आपको अगर मैप के थ्रू मैं कहता हूँ करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है। बेड़ूपा को 12 मासा बुक में दिया हुआ है, किसका है, मोनुप्रीति जी का है। चंद्रवंश में चलो ये क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हैं कि बुक्स में परीक्षा वाणी वगैरह में नहीं है, तो चलो एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं बाहर से, ठीक है। तो मानसूबर यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करता था,
तो वही है चीजें, ठीक है। सरमोली होम स्टे करंट में क्वेश्चन है ये भी। भोमिनोल क्या है, कहाँ गया है, कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। अब चरेऊ, अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, चरेऊ कहाँ पहनते हैं, चरेऊ आपकी क्या है, एक आभूषण है, ठीक है। तो ये चीज देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी मूर्खली पूछ लेता है, कभी बुलाक पूछ लेता है, नाक पे बहते हैं जो, ठीक है। अब कालसी अशोक का शिलालेख, परीक्षा वाणी से क्वेश्चन आए, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, देखिए ना आप लोग। अब वही करते हैं आप लोग, एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए तो हो जाता है कि सर क्या हो, समझ में नहीं आ रहा है, पेपर क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या क्वेश्चन। अब एक बार इस पेपर को आप लोग क्या करेंगे, इस पेपर को एक बार खुद से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जैसे है ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसे ऐसे करना, क्या करना आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, देखना कि तुबेरा बाजू तिमली उत्तराखंड की जनजाति के हैं, तो आप बोक्सा भोटिया और थारू जनजाचारों के यहाँ पे क्या करना, लोकगीत पढ़ लेना, आगे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जिला योजना संबंध में ये क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि स्टेनो का पेपर है तो ये इसलिए पूछा नहीं, तो ये पूछता नहीं, ठीक है। अब ग्लेशियर सबको पता होते हैं कौन कौन से, जैसे उत्तरकाशी में कौन से ग्लेशियर है, चमोली में कौन से ग्लेशियर है, ठीक है। तो आपको भौगोलिक वाला जो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र वाला चैप्टर है, परीक्षा में चौथा चैप्टर, उसको पढ़ेंगे आप लोग इसके लिए। इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, अजय राउत जी के नोट्स पढ़ेंगे किसके पास होंगे, तो या अजय राउत की बुक होगी सबके आपके पास, तो वहां पे देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया। अब अगली बार नहीं है कि मेहरा फरतियाल दरबारी गुटों का बात करेगा, इससे क्या कि ये विषम क्षेत्र जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको आप देखेंगे। अगली बार कुछ और पूछ सकता है इसकी हिस्ट्री से ही, तो एक बार खुद देखिए कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तराखंड के खनिज संपदा वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्या होगा, आप जब चीजों को देख के लिख लेंगे ना, एक आइडिया पूछेगा कि हर चैप्टर से किस पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज है, अब कुमाऊँ लोक संस्कृति विविध आयाम, अब ये बुक पूछ ले, अब ये किसी को एज्यूम नहीं कर सकता है कि अब इसको वही कर सकता है जिसने पढ़ी होगी, देखी होगी मार्केट में, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम एक उत्तराखंड की वो शब्दकोश वाली जो है ना, उड़ियाली खिचियाली वाली बुक है जो, तो उसके बारे में पूछ लिया था, इस बार ये पूछ दिया है। अब 99 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया, 99 बात ही करूंगा मैं, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, रेडी रहो उसके लिए। वो आपका टुक्का भी लग सकता है, आप अटेम्प्ट ना भी करो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो लग रहा था चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी इस देखने के बाद, और आगे कैसे लेके चलना है अपने आपको, 40 दिन का आपके पास टाइम है, उसमें चीजों को जो आप बुक पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिएगा, और जो आपको नए टॉपिक लग रहे हैं उसके ऊपर आप सर्च मार के कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इतना रखते हैं आई होप, ठीक है। और थोड़ा चीजें लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत जरूरी होती है, अगर एग्जाम निकालना है थोड़ा अपने आपको अपडेट कीजिए, आप थोड़ा अपडेट करेंगे चीजें तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिल जाएंगी, और पैनिक नहीं होना है मेन बात। अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो आपको जो आता है ना एग्जाम टाइम पे, तो बहुत प्रेशर होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर से ये आया, बट एग्जाम में ना बहुत प्रेशर होता है, मैं समझ सकता हूँ चीजों के बारे में, ठीक है। वहां पे जो आपको थोड़ा भी सवाल अलग आ गया आउट ऑफ सिलेबस, तो लगता है कि अब जो क्या ही करें, बट पेशेंस से चीजों को करना है, और अभी भी आपको पैनिक नहीं होना है कि ग्रुप में ऐसा बात नहीं करना है कि सर क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आयोग की भी बहुत गलतियां हैं, अभी आंसर की मैं भी देख रहा था, बहुत से क्वेश्चन ऐसे गलत दे रखे हैं, अब उसमें पता नहीं बोनस मार्क देता है क्या करता है, अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो आयोग है, आयोग के लिए हम क्या ही कहें, ठीक है। बट अपने आप को हमको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, उस लायक हमको अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ में हाँ एक बात और, अगर आपको कोई भी आपके प्रश्न है अभी भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी अगर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, और जो कमेंट में आगे आगे लगता है कि कुछ आपके डाउट है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपके कुछ डाउट है तो मैं आपको मैसेज रिप्लाई भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।